नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात। पिछले वीडियो में मेष राशि से कन्या राशि वालों का फल कह चुका हूँ। इस वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। पहले तुला राशि। तुला राशि वालों का दिन आज मिला जुला रहेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन आज थोड़ा धैर्य बनाकर चलेंगे तो दिन अच्छा गुजर जाएगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम आज आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सुखद फलों की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आर्थिक क्षेत्रों में जो प्रयास आप कर रहे हैं उनमें सफलता भी प्राप्त होगी। आज के दिन अगर यात्रा को टाल दें तो बेहतर होगा। धार्मिक व रचनात्मक कार्यों में भी समय दें, इससे आपका तनाव भी थोड़ा कम होगा। मित्रों से लाभ की प्राप्ति की संभावना है। आज नए मित्र बनेंगे जो आमदनी के नए स्रोत का जरिया बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव से बचें, आज मनमुटाव के चांस हैं। बुद्धि विवेक से काम लेने की जरूरत होगी। शुभता का प्रतिशत है 60। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का दिन आज प्रसन्नता से भरा रहेगा। आज खर्च ज़्यादा है, खर्चे पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। ऊर्जावान रहेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। आज लाभदायक यात्रा भी कोई संभव है। आज मित्रों का सहयोग रहेगा, कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य रूप से ठीक ठाक है। वाद विवाद टकराव से बचे तो बेहतर होगा। कोई अच्छी खबर भी आज आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। शुभता का प्रतिशत रहेगा 85। अब धनुराशि। धनुराशि वालों का आज का दिन थोड़ा भाग दौड़ और पारिवारिक तनाव व समस्याओं से भरा रहेगा। भाग्य के बजाय अगर कर्म पर भरोसा रखें तो बेहतर होगा। खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, नियंत्रण रखें उनमें। वाद विवाद व टकराव से बचें। घरेलू समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा धर्म कर्म में भी आज ध्यान दें। स्थान परिवर्तन की भी आज संभावना बन रही है। वैसे तो कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा, लेकिन वहाँ आप निर्णय जो भी करें वो सोच विचार कर करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। आज नए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। आपकी आर्थिक योजनाओं में भी सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभता का प्रतिशत रहेगा 65। मकर राशि। मकर राशि वालों का दिन अच्छा गुजरेगा। ऊर्जावान रहेंगे, आशावान रहेंगे, कार्य की थोड़ी अधिकता रहेगी। आज अगर दिल के बजाय दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर हो सकता है। अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें, बेसब्र होने से बचें। आर्थिक मोर्चे पर तो आपके प्रयास आज सफल होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। वाद विवाद से बचना अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। खर्चों पर भी नियंत्रण रखें, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। शुभता का प्रतिशत रहेगा 80। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को आज अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपको अप्रसन्न और थका सकती है, अतः जहां तक हो सके वहां आज यात्रा से बचें। आज बेवजह के खर्चे भी आपको तनाव दे सकते हैं। मन में कुछ नकारात्मक विचार आएंगे, अतः नकारात्मक विचारों से बचें तो बेहतर होगा। कार्य का कुछ बोझ अधिक रहेगा जो आपके मन को तनाव से भर देगा। बेहतर है कि आज आप थोड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यों में कुछ वक्त गुजारें। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। जीवन साथी से मन मुटाव हो सकता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। शुभता का प्रतिशत रहेगा 55। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों का दिन आज अच्छा गुजरेगा। कार्य क्षेत्र प्रबल रहेगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि जागृत होगी, सफलता प्राप्त होगी। कोई अचानक लाभ भी आपको मिल सकता है, लेकिन घर परिवार में थोड़ा व्यवहार को नियंत्रित करके चलें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करके चलें, अपने व्यवहार को नियंत्रित करें। आर्थिक योजनाओं में सोच समझ कर निवेश करने का भी दिन है आज। भागदौड़ की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको अतिरिक्त कार्य का भार रहेगा, परिश्रम अधिक रहेगा, लेकिन परिणाम सुखद प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक चलेगा। शुभता का प्रतिशत है 70। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार। नमस्कार मित्र।